हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान, घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बेटियों की बर्बादी के कंटेनर देने वाली सरकारी नीतियों की घंटी बजानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से शुरू हुई थी, और जिस हरियाणा से शुरू हुई थी उस हरियाणा में नशे में झूमती सरकारी नीति ने गांव में ऐसे कंटेनर खड़े करवा दिए हैं जो बेटियों के सम्मान पर चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे सरकारी कंटेनर गांव में रखवा दिए हैं जो बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने से, घर के बाहर पैर रखने तक से डरा रहे हैं। ये कंटेनर किस चीज के हैं, इन्होंने कैसे बेटियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले देश के पूर्व फौजी की उम्मीदों को तोड़ना शुरू कर दिया है, ये आज आप अजातिका सिंह की रिपोर्ट में देखने वाले हैं। रिपोर्ट से सहमत हो तो जरूर 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी आवाज बेटियों के लिए उठाइएगा। शाम को निकलते हैं या सुबह निकलते हैं मॉर्निंग में वॉक के लिए, तो हमें दिक्कत होती है। छाया की दिक्कत का कारण एक कंटेनर, कोई गलत नजर से दिखता है। माला के सम्मान पर चोट पहुंचने का कारण एक कंटेनर, लड़की के कमेंट्स करते हैं हमको। आरती की जिंदगी का सुकून छीनने की वजह एक कंटेनर, लड़कियों का आना जाना बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम की बात है। आयुषी की आजादी के अपहरण का जिम्मेदार एक कंटेनर, डर तो लग गए है अपनी इज्जत का। माँ संतोष की जान की आफत बना है एक कंटेनर, देखिए क्यों नहीं जाते आप उस सड़क, वहाँ जाने में परेशानी होती है काफी। निक्की को घर में बंद करने का कारण एक कंटेनर, और घरवाले भी नहीं भेजते इसी डर से। ज्योति की जिंदगी में बेड़ियां डालने की वजह एक कंटेनर। ये कहानी है पूरी जिंदगी पर्दे में बिता देने वाली महिलाओं। इस कहानी में बेटियों के लिए चूल्हे से लेकर समाज तक की तपिश झेलती माएं हैं। इस कहानी में बेटियों की स्वतंत्रता का कूड़ा करने वाली सरकारी नीतियां हैं। इस कहानी में पुरुषवादी सोच की लौ में खींची जाती हुक्के की गुड़गुड़ाहट है। इस कहानी में सरकार के आगे फरियाद पर इंसाफ पाने का इंतजार करता एक रजिस्टर है। इस कहानी में बेटियों का हक दिलाने के लिए घर के दुश्मनों से लड़ता सेना का एक शूरवीर है, और इस कहानी में इन सभी किरदारों की समस्या की जड़ है एक कंटेनर, पीले रंग का कंटेनर। ये किस चीज का है? ये कंटेनर है शराब का। कौन सी शराब? वो शराब जिसे बेचकर हरियाणा की खट्टर सरकार एक झटके में करोड़ों रुपए का राजस्व अपने खजाने के गले में नीचे उतार लेना चाहती है। शराब पीना हानिकारक है, लेकिन गांव देहात में ऐसे कंटेनर रखवाकर हरियाणा सरकार अरबों की कमाई का अमृत चूस लेना चाहती है। ऐसे कंटेनर जिन्हें किसी शहर नहीं बल्कि अब गांवों के भीतर रखवा कर ही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार अपनी कमाई का गिलास भरने में जुटी है। खट्टर सरकार में शराब बिक्री की सरकारी ग्रामीण सेवाओं के शर्मनाक प्रयोग के कारण हरियाणा में झज्जर के खेड़ी जट गांव की बेटियों ने फोन करके बुलाया एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह को। लेकिन क्यों? देखिए, हरियाणा सरकार के आबकारी नियम के अनुसार नए शराब के ठेके शहर में नहीं बल्कि गांव में बनाए जाएंगे। ऐसे ही एक ठेके के पास हम लोग मौजूद हैं, जहां पर कई सारी जो लड़कियां हैं, आपको यहां गांव की बेटियां विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। यहां पर ठेके के आसपास जो बोतलें पड़ी हैं शराब की, उसको साफ भी कर रही हैं। साथ ही ये जो विरोध है, ये जता रही हैं कि कितनी परेशानी इन बच्चियों को, इन लड़कियों को इस ठेके की वजह से होती है, क्योंकि ये एक रास्ता है जो कि गाँव की तरफ उनके जाता है, लेकिन यहाँ पर ठेका मौजूद होने की वजह से जो लड़कियाँ हैं, जो बाकी महिलाएँ हैं, उनका इस रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है।
शराब की दुकान सोचने पर कुछ ऐसी ही तस्वीर आपके जहन में आती होगी, लेकिन हरियाणा में सालाना 7,500 करोड़ रुपए शराब से कमाने के लिए गांवों में शराब के ठेके ऐसे कंटेनर में खोले जाने लगे, जिनके बगल से बहु बेटियों को गांव गुजरने भर से डर लगता है। इसीलिए खेड़ी जट गांव की बेटियों ने शराब के सरकारी कंटेनर के बगल से शराब की बोतलें बीनकर नशे में झूमती सरकारी नीतियों को साफ करने की आवाज उठाई है। अगले 90 सेकंड तक आप बेटियों की बर्बादी के कंटेनर पर 5 गवाहियां सुन लीजिए। दारू पी पी के लोग यहाँ परेशान करते हैं, इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं ये ठेका यहाँ से बंद हो। यहाँ पे इतनी दूर तक ठेका तो खुला है, लेकिन जरूरत वाली कोई चीज नहीं है। ना तो कोई परचून की दुकान है, ना ही कोई मेडिकल है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी ये खुला हुआ। कोई गलत नजर से देखता है, कोई पीछे से टोंट मारता है, तो वो सुनकर लड़की के माँ बाप उससे निकलना बैठना, यहाँ तक कि लड़की का फ्यूचर तक बंद हो जाता है, उसे स्कूल नहीं भेजा जाता है। हम सुबह कभी पहले मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, अब हम वो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते हैं लड़की के कमेंट्स करते हैं हमको, क्योंकि जैसे कि सीटी मारते हैं, पी के कुछ भी बोल देते हैं हमें, तो हमारा यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से आना जाना बंद कर दिया है। नाइट में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पूरा सुनसान ही पड़ा हुआ एरिया, और आने लड़कियों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम की बात है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के जो हैं दारू पी के बैठे रहेंगे, कमेंट पास करते हैं, छेड़खानी करते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स भी आजकल उनको अकेला उठना बैठना किसी के साथ बंद कर दिया है इसी वजह से। ऐसी जगह से हम लोग निकल रहे हैं तो हमें अंदर से खुद ही डर रहता है, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो हम अकेले, पहली बात तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते, तो हमें यही डर रहता है कि अगर हम जा रहे हैं तो या तो हमारे साथ भाई हो, या फिर हमारी मदर हो, या फिर साथ में कोई और रिलेटिव हो, तभी हम यहाँ इस रास्ते से अकेले निकल सकते हैं। और आप जानते हैं हरियाणा में दावा है कि गांव के रास्ते में तकरीबन 2,300 शराब के ठेके खुलवाए गए हैं। शराब का महकमा संभालने वाले मंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि गांव वाले मना करते हैं तो ठेके नहीं खोले जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि गांव में शराब के ठेके वाले कंटेनर खोलने ही क्यों हैं? हरियाणा सरकार ये समस्या सिर्फ एक गांव की नहीं, रोहतक के सुजाना गांव के लोगों को भी देखिए। हरियाणा सरकार शराब का ठेका कॉलोनी से बाहर करवाने की कोशिश करी थी, यहाँ गोली चाल पड़ी 2-3 बार, और अब जबरदस्ती उसी जगह पे फिर खुलवाया गया। हमारी यही मांग है कि ये ठेका सीम पर चला जाए, कॉलोनी में ना रखा जाए। इसी तरह सोनीपत के गांव की महिलाएं शराब के कंटेनर वाले ठेके का कुछ दिनों पहले विरोध कर चुकी है। इस गांव से ये बुराई हटाना चाहते हैं, अपने देश को, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल युवा सभी यहाँ आते हैं, आती जाती लड़कियों को सब छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ये सब हम अपने गांव से हटाना चाहते हैं। सवाल उठता है, जिस हरियाणा में आज भी महिलाएं घर के बाहर पर्दा इतना बड़ा करती हैं, उसी हरियाणा में गांवों के भीतर या गांवों के रास्ते में शराब का ठेका कंटेनर रखकर सरकार कैसे खुलवा रही है? क्योंकि सरकार की ग्रामीण नशीली नीति में अकेले शराब से कुल राजस्व का 15% हिस्सा हासिल होता है, क्योंकि हरियाणा सरकार को कमा कर देने में शराब टॉप 3 तरीकों में से एक। पिछले साल हर महीने 583 करोड़ रुपए सिर्फ शराब के ठेकों से ही तो सरकार ने कमाए हैं, इसीलिए गांवों में भी शराब के कंटेनर रखवा दिए। सरकार को इस बात की चिंता कहाँ है कि हरियाणा में जिंदगी में आगे बढ़ने का 2-4 सीख रही बेटी बच्चियाँ सुरक्षित रहें। देखिए, क्यों नहीं जाते आप उस सड़क? वहाँ जाने में परेशानी होती है काफी, आने जाने में दिक्कत होती है महिलाओं को, जैसे हमारे जैसी लड़कियों को। वहाँ पर बहुत सारे शराबी बैठे रहते हैं, जिससे हम लड़कियाँ अनकम्फर्टेबल फील करती हैं वहाँ जाते समय। भाई, 125 बालक ने कैसे भेजे और एकले तो इस मारे साथ जाना पड़े, एकले तो हम भी ना जाते, अब भी नहीं जाते अकेले। अब कोई महिला उस सड़क पे जाती नहीं है गांव की? जाती ना तो नेरी आऊंगी थी,
अब कोई नहीं जाती, शराब पी कर नर पड़े रहे हैं। भाई डर तो लग गए है अपनी इज्जत का, तो एक ले तो कैसे जा। क्या इस माँ के डर को आप महसूस कर पा रहे हैं? ये डर इस बात का है कि बेटी अकेले इस शराब के ठेके वाले सरकारी कंटेनर के बगल से गुजरी तो कहीं कोई शराबी बच्ची के सम्मान को चोट ना पहुंचाए। इस माँ को डर इस बात का भी है कहीं सरकार की बच्चियों को डराने वाली आबकारी नीति के अंधेरे में रहकर किताब की जगह जिंदगी भर रोटियां ही ना हाथों से पोनी पड़े। माँ को डर है कहीं गाँवों में शराब के सरकारी कंटेनर रखे जाने से चूल्हे के धुएं में बेटी का भविष्य भी गुम ना हो जाए। 2011 की जनगणना के मुताबिक झज्जर जिले का लिंगानुपात हर 1000 लड़कों में 782 लड़कियों का था, जो भारत में सबसे कम है। यानी असमान लिंगानुपात के मामले में जो झज्जर जिला नंबर 1 पर रहा है, वो जिला लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराने में भी पीछे ही रहता दिख रहा है। झज्जर के खेड़ी जट गाँव में बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए ही सेना के शूरवीर नवीन गुलिया ने एक कन्या आश्रम बनाया, जहां बेटियां बिना कोई फीस दिए अंग्रेजी सीखने से लेकर स्किल डेवलपमेंट के तमाम कोर्स कर सकती हैं। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद बेटियों को अपने पैर पर खड़ा करने की ताकत इसी कन्या आश्रम से पूर्व कैप्टन नवीन गुलिया देना चाहते हैं, जिन्हें अमिताभ बच्चन तक ने कौन बनेगा करोड़पति की कर्मवीर सीरीज में सम्मान दिया। एक हादसे ने इनको व्हीलचेयर से तो बांध दिया, और इनके हौसले को नहीं, इनके नेक इरादों को नहीं, और इनके हर हाल में विश्वास के साथ खड़े रहने और अड़े रहने के जुनून को नहीं। लिम्का बुक पीपल ऑफ द ईयर 2005, चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन 2005, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2007 में प्रेसिडेंट्स नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित श्री नवीन गुलिया का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। लेकिन समाज की सोच से लड़कर बेटियों को सम्मान दिलाने चले नवीन गुलिया अब सरकार की आबकारी नीति के आगे परेशान हो रहे हैं। एक जगह तो हो जहां लड़कियां सेफ फील करके आ सकें, ये मेरा उद्देश्य था कि अपनी सेफ्टी की फीलिंग के साथ एक जगह तो आ सकें कम से कम, वो उसके लिए बनाया था। सारा फेल हो गया एक गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से, जो कहता है कि ठेके अब गाँव में खुलेंगे शहर में नहीं खुलेंगे। तो ठेका खुलते ही गाँव में तो अब सुपरवाइज नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कैसे लोग बाहर बैठ के पीते हैं, पेड़ के नीचे पीते हैं, झाड़ियों में पीते हैं, हाइड आउट बना रखी, इट इज़ वेटिंग फॉर बिग क्राइम्स टू हैपन। द सिचुएशन जो है उसमें बड़े क्राइम्स अभी बस मतलब हम वेट कर रहे हैं, फिर हम बोलेंगे कि उसके बाद जागेंगे, पहले जाग के इस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है। सवाल उठता है कि गाँव के रास्तों में खोले गए शराब के ठेके बंद कराने का क्या कोई तरीका नहीं है? हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान याद आया। शराब की बिक्री उन गांव में हम नहीं करेंगे जहां 10% वहां का जो मतदाता है वो इस बात के लिए ग्राम सभा का हमको लिख के देगा कि हमारे गांव में ठेका ना खोला जाए। तो नशा मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमने ये जो बात कही थी इसको हमने पूरा किया है। इसीलिए आजातिका सिंह झज्जर के खेड़ी जट गाँव के सरपंच अभिमन्यु से मिली, पूछा कि आपकी ग्राम सभा के 10% लोगों ने गांव के रास्ते में शराब के ठेके वाले कंटेनर को हटाने का प्रस्ताव पास नहीं किया। सरपंच अभिमन्यु 5 महीने पहले ही पारित प्रस्ताव का रजिस्टर का पन्ना दिखाने लगे। इसमें लिखा हुआ है कि गांव में जो अवैध ठेका खुला है खुंगाई मोड़ पे, उसको ग्राम पंचायत की सहमति भी नहीं है, इस पर सभी हाजिर ग्राम वासियों ने आपत्ति जताई है। शराब का ठेका तुरंत बंद होना चाहिए क्योंकि उस रास्ते पर महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग सुबह शाम टहलने के लिए जाते हैं और वह रास्ता खेतों को भी जाता है, इसलिए कोई भी अनहोनी होने का डर है, इसलिए तुरंत बंद करवाने के लिए नकल प्रस्ताव की प्रति श्रीमान BDPO बादली के माध्यम से श्रीमान उपायुक्त महोदय झज्जर की सेवा में भेजी जाती है। शिकायत ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अधिकारी तक से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? आजातिका सिंह ने पता किया। खेड़ी जट गाँव के सरपंच के मुताबिक पंचायत द्वारा साइन की गई ठेका बंद करने के खिलाफ शिकायत BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दी गई, लेकिन BDO से जब हमने इस बारे में जानना चाहा तो उसने मैं नया हूँ मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कहते हुए पल्ला झाड़ लिया और कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया।
एक अधिकारी नया आया है तो फिर महिलाओं के हित वाला महिला आयोग कहाँ है? हम पहुँचे हरियाणा महिला आयोग की प्रमुख प्रतिभा सुमन के पास, पूछा गांवों के रास्ते में कैसे शराब के कंटेनर सरकार खुलवा रही है, क्या इससे नुकसान नहीं है? कहीं भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं, रेप की जैसी घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जब भी हम नजर उठा के देखते हैं कि 99% जो लोग हैं वो शराब के नशे में ही इस तरह की करतूतों को अंजाम देते हैं, तो इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार ने। फिर भी गांव के रास्ते में शराब के ठेके यूं कंटेनर रखकर खोले जाते हैं, आखिर क्यों? अब हमने इन बच्चियों बेटियों के हक का सवाल पूछा झज्जर में डिप्टी एक्साइज कमिश्नर नरेंद्र कौशिक से। खेड़ी जट गांव से लिकर वेंड के बारे में अब तक किसी प्रकार की भी कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, और क्योंकि आज ही ये बात मेरे संज्ञान में आई है, इसका मैं एट द अर्लीस्ट समाधान करूंगा। यही है वो नशीली सरकारी नीति जिसे गांव जाने के रास्तों में शराब के ठेके कंटेनर में खुलवाना तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन बेटियों महिलाओं को हो रही परेशानी की शिकायत का इंतजार रहता है। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है ऐसी जगहों पर शराब के ठेके कतई नहीं खोले जा सकते जहां बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाए। गांवों के रास्ते में खोले जा रहे शराब के ठेके वाले कंटेनर को तुरंत बंद कराया जाए। सहमत हैं आप तो 8422840000 पर मिस कॉल देकर घंटी बजाओ। इस खबर पर हमारी पैनी नजर रहेगी, हम पता करेंगे खट्टर सरकार कब इन गांव से ये शराब के कंटेनर हटवाती है। आपको इस बारे में जल्द खबर भी करेंगे क्योंकि हम खबर को बीच में नहीं छोड़ते, ये आप जानते हैं। जैसे दिल्ली में सैलरी के लिए परेशान होकर हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स बेटे बेटियों की आवाज हम अब भी उठा रहे हैं। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। 12 अक्टूबर को हमने आपको खबर दिखाई थी कैसे 4 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से दिल्ली एमसीडी के सबसे बड़े रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठे। मोदी जी को मैसेज दो, हमें हमारा वेतन दो। केजरीवाल जी को मैसेज दो, हमें हमारा वेतन दो। कोरोना में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जनता का इलाज करते रहे डॉक्टर्स 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ना तो बीजेपी शासित एमसीडी और ना ही दिल्ली सरकार को कोई फर्क पड़ा। हमारी जो बकाया सैलरी है उसको पूरी दे दी जाए, इस तारीख को रोज मिल जाया करेगी, इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमें दिया जाए। फिर भी इस जायज मांग के लिए अगर देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टरों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो धरती के भगवान देवदूत और कोरोना योद्धा जैसे तमगे का क्या करेंगे? उनको रेंट देना पड़ता है, स्कूटर कार के लोन देने होते हैं, अगर उनके पास रेगुलरली सैलरी नहीं आएगी तो दिल्ली में वो रह नहीं सकते, ये अन्याय हो रहा है बाड़े के लोगों के साथ। हिंदू राव कस्तूरबा गांधी और राजन बाबू टीबी अस्पताल के डॉक्टर्स पिछले 4 महीने से लगातार वेतन ना मिलने के चलते धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और वेतन की मांग कर रहे हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार फंड्स का रोना रोकर एक दूसरे के सिर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ना तो अभी तक डॉक्टरों को उनका वेतन मिला है और ना ही तमाम मीटिंग्स के बावजूद कोई स्थायी समाधान निकल कर आया है।